नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना संकट पर अब लॉकडाउन 2 से बाहर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया, यानी अब अगले 19 दिन तक दोबारा पाबंदियां जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना हॉटस्पॉट्स न बढ़ाने की कंडीशन पर 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ छूट का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करते हुए कहा कि लॉकडाउन का पहला हफ्ता बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाएगा, वहीं हॉटस्पॉट्स में कमी आने पर दूसरे हफ्ते से छूट दी जाएगी। 20 अप्रैल से जहां हॉटस्पॉट्स कम पाए जाएंगे, वहां लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में कुछ रियायतें क्यों दी जाएंगी, प्रधानमंत्री ने इस छूट का पूरा प्लान क्यों बनाया है, यह भी सुनिए। आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे और इस वक्त सरकार की तरफ से कोरोना पर अपडेट दिया जा रहा है, चलते हैं। इस संदर्भ में स्टेट्स और यूटीज के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। 13 अप्रैल 2020 तक लगभग 22 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा फूड ग्रेन्स भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट्स और यूटीज द्वारा लिफ्ट हो चुका है। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को 24/7 मॉनिटर कर रहा है तथा अपनी हेल्पलाइंस द्वारा लोगों की समस्याओं और शिकायतों का भी निदान कर रहा है। अभी तक इस कंट्रोल रूम ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों की इसके सहयोग से लगभग 5,000 शिकायतों का निदान किया है। आपको जान के खुशी होगी कि इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पेशली मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए पूरे देश में 20 ग्रीवेंस सेंटर्स को स्थापित किया है। इन ग्रीवेंस सेंटर्स की फंक्शनिंग को चीफ लेबर कमिश्नर के स्तर पर सुपरवाइज और मॉनिटर किया जा रहा है। हेल्पलाइंस की विस्तृत जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन हेल्पलाइंस का उद्देश्य है कि पीड़ित मजदूरों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। हमारी आशा है कि इन कदमों के साथ हम लॉकडाउन मेजर्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हुए जनता की तकलीफों को दूर कर सकेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द प्रोग्रेस मेड सो फार ऑन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज of rupees 1.70 lakh crore announced by Union Finance Minister Shrimati Nirmala Sitaraman ji on 26th March to ensure that the weaker section of the society continues to get the basic amenities and are not impacted during the lockdown period due to the COVID-19. The swift implementation of the package is being continuously monitored by the central and state governments, finance ministry, the concerned ministries, cabinet secretariat and PMO. As on 13th April 2020, yesterday, the more than 32 crores beneficiaries have been directly given cash support through DBT amounting to rupees 29,352 crore under the package. In addition to the point made by my colleague of MHA, another point regarding is under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, the government has distributed free ration of food grains to 5.29 crore beneficiaries, 3,985 million tons of pulses have also been dispatched to various states and union territories for distribution. More than 97 lakh free Ujjwala gas cylinders have been delivered to beneficiaries under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. 2.1 lakh members of EPFO have taken benefit of online withdrawal of non-refundable advance from EPFO account amounting to rupees 510 crore. Rupees 14,946 crore has been transferred to 7.47 crore farmers towards first installment of PM Kisan. Rupees 9,930 crore has been dispersed to 19.86 crore women Jan Dhan account holders through DBT. Rupees 1,400 crores has been dispersed to about 2.82
crore old age people, widows and disabled persons under National Social Assistance Program. More than 2 crore building and construction workers have received financial support amounting to rupees 3,071 crore. The detailed press release relating to this Gareeb Kalyan package is available on the PIB website, which I will request you to get access to that. Thank you. Representative from the ICMR, please. Until yesterday, we had tested 2,31,902 samples so far. कल 21,635 सैंपल टेस्ट हुए, उनमें के 18,644 यानी 18,644 वेयर इन आईसीएमआर नेटवर्क ऑफ लैब्स, 2,991 वेयर फ्रॉम प्राइवेट लैब्स. एज ऑफ नाउ वी हैव 166 लैब्स अंडर द आईसीएमआर नेटवर्क, 70 लैब्स which were belonging to private sector, they have already been approved as of now. With respect to, as I said, the kits that we have, we yesterday mentioned to you that we have kits that could last for 6 weeks. We have received another installment for RT-PCR kits, which are far more sufficient in numbers, which would essentially mean that we would be able to cover ourselves for a pretty long period of time. Additionally, we are ordering close to about 33 lakh kits for RT-PCR, and 37 lakh rapid kits are expected to come at any point in time. Now, Ministry of Health representative, please. अब तक 218 से अधिक lifeline उड़ान flights के द्वारा अराउंड 377.5 टन इसेंशियल मेडिकल कार्गो इसको देश के दूरदराज इलाकों में पहुंचाया जा चुका है, जिसमें भी हमारा फोकस प्राइमरली रहा है नॉर्थ ईस्ट प्रांतों में, आइलैंड टेरिटरीज में और हिल स्टेट्स में. इसके साथ ही इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ऑनलाइन फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप करते हुए हॉस्पिटल्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी डोर स्टेप पर उन्होंने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मेल्स के माध्यम से मेडिकल डिलीवरीज को पहुंचाने का कार्य किया है. हमारे जैसे इससे पहले कि हमारे कुलीग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया, उसके साथ ही आज फील्ड लेवल पर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ हैं, वह बैंकों के साथ काम करते हुए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या बैंक सखी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना अकाउंट्स और एम्प्लॉय गारंटी स्कीम के तहत जो पेमेंट है उसको फील्ड लेवल पर लोगों को बैंक में जाए बिना उनको वह धनराशि दी जा सके, उसके लिए अपना सहयोग दिया है. इसके साथ ही ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, उन्होंने उनके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मुख्यतः घनी आबादी यानी कि हाई डेंसिटी वाले जो एरियाज हैं, जैसे कि हम मुंबई का धारावी प्रांत ले लें या कोई और ऐसे एरियाज ले लें, दिल्ली के एरियाज ले लें, उसमें कोविड के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के स्टेप्स लिए जाएं, उसके बारे में एक गाइडलाइन दी है, जिसमें मुख्यतः कम्युनिटी शेयर टॉयलेट, वॉशिंग और बेडिंग फैसिलिटीज पर रिक्वायर्ड सैनिटेशन और हाइजीन सॉल्यूशंस कम खर्चे में कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है. अब तक की अगर डिटेल देखें तो अब तक टोटल 1,036 पीपल क्योर हो चुके हैं. एंड मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोस्ड एंड फाउंड क्योर्ड, और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कंफर्म केसेस देश में आए हैं, और जिसमें कि कल एक दिन में 1,211 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं. टोटल 31 डेथ रिपोर्ट हुई हैं कल से आज तक, जिसको लेकर टोटल डेथ की संख्या 339 हो चुकी है. आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस करते हुए देशवासियों से कहा है कि हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने बताया है कि भारत ने अपने होलिस्टिक
और इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम करते हुए समय पर एक डिसीजिव एक्शन लिया, जिससे कि समस्या के हमने बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बट हमने प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन लिए हैं। उन्होंने इसके साथ ही COVID-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में भी बताया। 20 अप्रैल तक देश के हर शहर, हर जिले का एक इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा किस जिले और किस शहर ने कोरोना स्प्रेड से संबंधित क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से अपने को बचाया है। इस टेस्ट के द्वारा, इस लिटमस टेस्ट के अप्रोच के द्वारा उन सेलेक्टेड एरिया में जहाँ पर की स्थिति को अच्छे ढंग से नियंत्रण किया गया है, कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज की अनुमति भी दी जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि लॉकडाउन मेजर्स का सही ढंग से पालन नहीं किया गया और उस प्रांत में वायरस के फैलने का खतरा है, तो क्योंकि हम एक इन्फेक्शस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो जो भी सहूलियतें या जो भी एक सेलेक्टेड एक्टिविटीज की परमिशन दी जाएगी, वह विड्रॉ भी की जा सकती है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि दवाइयाँ, फूड राशन और इसेंशियल कॉमोडिटीज के संबंधित एम्पल रिजर्व भी फील्ड लेवल पर इंश्योर किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों से 7 चीज़ों पर समर्थन की अपील की, जिसमें उन्होंने मुख्यतः कहा है कि हमें सबको अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर कि वह बुजुर्ग जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग को हम 100% पालन करें, अपने जीवन में एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हम सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करें, साथ ही होममेड फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल करें। आयुष मंत्रालय द्वारा गर्म पानी और काढ़े के सेवन के सजेशन को भी उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके द्वारा कि हम अपनी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने की मदद के लिए उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की विनती भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एफर्ट करना है कि गरीब परिवारों की फूड रिक्वायरमेंट्स का हम ध्यान रखें। अपना बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी जो हमारे सहभागी हैं, उनका भी हम कंपैशनेट भाव से ध्यान रखें कि उनको कोई भी लाइवलीहुड से वंचित रहने की स्थिति में जो दिक्कत है उसमें उनको सहयोग प्रदान करें। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस स्टाफ, उन सबको उन्होंने इससे पहले भी जैसे कहा है, उन्होंने कहा हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया कि हम जहां हैं वहीं रहें और हर तरह से सुरक्षित रहें। इसके साथ ही जैसे कि आपको इससे पहले भी मैंने अवगत किया है कि हमारा एक एफर्ट रहा है कि हम इस पूरे समय में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, और उसके तहत अब 602 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जिसमें 1,06,719 आइसोलेशन बेड्स हैं और 12,024 ICU बेड्स हैं, वह हम तैयार कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। इस नंबर में भी निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है, जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस विषय में काम कर रहे हैं। इसी से संबंधित किए हुए एफर्ट्स के संबंध में जैसे कि एम्स दिल्ली में एक इनिशिएटिव लेकर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, मैं उसके बारे में आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। कोरोना वायरस क्या? तो आप सुन रहे थे, सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। इस वक्त देश में 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा मामले आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस 19 दिन के एक्सटेंडेड लॉकडाउन का ऐलान किया, क्या वो हमें इस बीमारी से पार पाने में पूरी मदद करेगा? क्या यही एकमात्र उपाय था? हमारे साथ मेहमान हैं, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, दीपक वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी से, और अजय कुमार जी LJP से हमारे साथ हैं। चारों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला साहब, आज लॉकडाउन पार्ट वन का आखिरी दिन है और कल से नया लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर ये 40 दिन का लॉकडाउन, क्या ये काफी? आज पूरा देश जानना चाहता है, क्या 40 दिन के बाद आज हम इस ये कहने की परिस्थिति में हैं कि कोरोना के इस लड़ाई में, इस दौड़ में हम आगे निकल चुके होंगे? देखिए, पिछले 21 दिन के लॉकडाउन का ये परिणाम है कि भारत जो है कोरोना के प्रसार को जो है यथा योग्य
रोकने में सक्षम हुआ है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि जो बड़ी शक्तियां हैं उन जो विकसित देश हैं वो भी इसको, चूंकि उन्होंने टाइमली कोरोना के संदर्भ में लॉकडाउन नहीं किया था, तो आज अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर में 10,000 से अधिक लोगों की जो है कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दुखद है और वो जो है एक जो है अपूर्णीय क्षति है, किंतु हम यथासंभव चूंकि लॉकडाउन करने में हम समर्थ रहे, इस कारण जो है भारत में इस संसर्गजन्य रोग के प्रसार को नियंत्रित करने में यथोचित सफलता प्राप्त हुई है। यदि हम इस तरह से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि हम 20 अप्रैल तक इसी तरह और बल्कि इससे अधिक कड़े लॉकडाउन का जो है हम उसको सफल कर पाए, तो हम उसको जो है क्षेत्रवार श्रेणीबद्ध करके कुछ क्षेत्रों को छोड़ा जा सकता है जहां पर हम आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में और जो देश का अर्थतंत्र है, जो सामान्य व्यक्ति वंचित व्यक्ति है, उस वंचित वर्ग के लोगों को जो यथायोग्य संसाधन है, रोजगार के संसाधन है, वो उपलब्ध कराने में हमको सफलता प्राप्त हो। जो आपका मूल प्रश्न है, यदि हम लगातार लॉकडाउन को के का हमको जो लाभ हुआ है, हम जो संसर्गजन्य रोग को रोग प्रसार में जिस तरह से नियंत्रित करने में सफलता पाए हैं, अगर ये सफलता इसी तरह से कंटिन्यू रही तो हमें विश्वास है कि आगामी कुछ दिनों में हम जो है अब नेगेटिव की तरफ, जो प्रसार जो है जो पॉजिटिव लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव की तरफ बढ़ने में भी हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि चीन इसी मॉडल पर चलकर, चीन ने जो है आज चीन में कोरोना की संख्या पश्चिमी देशों की संख्या में काफी कम है। ठीक है सुरेन राजपूत जी, इस अभी बारीकियों में ना जाए बगैर कि इस लॉकडाउन में और क्या किया जाना चाहिए था, क्या नहीं किया जाना चाहिए था, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या इस 19 दिन के लॉकडाउन पार्ट टू का समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी इफ बट के इस लॉकडाउन का समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले लॉकडाउन का भी बगैर किसी शर्त के समर्थन किया और आगे भी करेगी, चूंकि ये महामारी कांग्रेस भाजपा सपा बसपा को देख करके नहीं आती है। हाँ ये जरूर है कि हम प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय शुक्ला जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी से निश्चित तौर पर कुछ सुझाव जरूर भेजना चाहेंगे, जिसके लिए कि हम कृतसंकल्प हैं, ये पक्ष का धर्म भी हमारे सुझावों को विरोध न समझ करके सकारात्मक रूप से लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे किसान के लिए आज की डेट में अगर आप MSP अभी तक नहीं घोषित किए हैं तो वो घोषित की जानी चाहिए। दूसरी बात, जो जिस तरीके से इस समय अभी जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, जितने कम टेस्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश, दुनिया के छोटे छोटे देशों से भी कहीं कम है। अगर प्रति लाख की बात करें हम लोग तो हमारे टेस्ट जो है लगभग अभी 66 के आसपास आ रहे हैं, जबकि बहुत छोटे छोटे देश 150-200 प्रति लाख के आसपास कर रहे हैं, जबकि हमारी संख्या मिनिमम से मिनिमम 11,000 पर लाख के आसपास होनी चाहिए। तो हमारी मांग है कि रैपिड टेस्ट किट्स जो हैं वो हर जिले में जिलेवार तक पहुंचनी चाहिए, ये खाली मुख्य सेंटरों पर ना रहे, ताकि कोरोना का प्रसार बिल्कुल पूरी तरीके से जहां पर है वहीं पर रोका जा सके। जी ठीक है। इसके अलावा जो मजदूरों के लिए जो आप बात करना चाह रहे हैं सौरभ भाई, मजदूरों को जिस तरीके से आप फेज वाइज खोलने की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको अनाज, जो जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है वो, और जो मध्यम वर्ग है हमारा, वो जिसके पास तो कुछ है ही नहीं, जिसमें हमारे यहाँ के तमाम टेक्नीशियंस आते हैं, आपके यहाँ के कैमरामैन आते हैं और तमाम छोटी जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, उन सब लोगों के साथ में एक बड़ा संकट है कि वो संकोच में किसी से मांग भी नहीं सकते और सरकार उनके लिए कुछ कर भी नहीं रही है। तो हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि उनकी तरफ जनरस दृष्टि से देखा जाए। ये जो उन्होंने कहा है कि 20, ये जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 20 अप्रैल से सशर्त कुछ छूट दी जा सकती है, इसके साथ उन्होंने इन्हीं वर्ग के लोगों का जिक्र किया जिसकी बात आप कर रहे हैं कि उनकी आजीविका चलती रहे किसी तरीके से, इसके लिए ही ये रिलैक्सेशन दी जा सकती है। ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मेरा प्रश्न जो था आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, मेरा प्रश्न सिंपल सा है कि जो मध्यम वर्ग है हमारा, मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है और मध्यम वर्ग
को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में सर, मेरा कहना ये है, मेरा राजपूत जी, मेरा कहना ये है, मेरा आपसे निवेदन ये है सर, 130 करोड़ का देश है, अब 130 करोड़ में मध्यम वर्ग को आप कितने करोड़ मानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उस सबको छूट दे दी जाएगी तो लॉकडाउन का मतलब क्या है? बहरहाल मैं अगले गेस्ट पर जा रहा हूँ, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। छूट देने मैं एक मिनट में आता हूँ। सौरभ जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं छूट देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर मैं आता हूँ एक मिनट, दीपक एक छूट देने की बात नहीं कर रहा, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड दीपक जी और अजय जी का एक एक रिएक्शन लेकर के फिर मैं आता हूँ। दीपक वाजपेयी साहब 19 दिन का और लॉकडाउन है, जिसमें एक हफ्ता उन्होंने कहा पूरे देश की एक किस्म से परीक्षा है, ये जो शहर जो राज्य बेहतर करेगा उसको ज्यादा रियायतें मिलेंगी, ये मॉडल आपको ठीक लग रहा है आने वाले ये अब ये कुल मिलाकर 40 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा? देखिए पैरामीटर्स क्या होंगे उस तरह की निगरानी की, ये तो केंद्र सरकार जानती होगी। मुझे लगता है जैसे दिल्ली में आप देखिए, हम लोगों ने इस बीच में जो टेस्ट किए, खासतौर पे निजामुद्दीन के एरिया में जो टेस्ट किए और जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं या जो कंटेनमेंट जोन है वहां टेस्ट किए, आप देखिए केवल कल में 356 नए मरीज आए, जिनमें से 325 ये जो निजामुद्दीन का एरिया है और मरकज से रिलेटेड केसेस हैं वो हैं, और बाकी विदेशी लोग हैं। कुल मिला के अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी दिल्ली में अब तक 1500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 71% का संबंध मरकज निजामुद्दीन वगैरह से है, और 25% मरीज फॉरेन ट्रेवल के हैं, केवल 4% मरीज ऐसे हैं जिनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम पता कर रहे हैं। तो दिल्ली और मुंबई जैसे जो शहर हैं उनको ज्यादा बोझ झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के गेटवे हैं, यहां से लोग आते हैं, और जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई मरकज की, तो आप किस तरह से इसका असेसमेंट करेंगे ये एक बड़ी बात है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम सबको साथ लेकर चलना है, अभी किसी विवाद में नहीं पड़ना है, और ये सूत्र 5000 साल पहले ये धर्मराज युधिष्ठिर का दिया हुआ सूत्र है कि परई परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम, अगर बाहर से कोई मुसीबत आएगी तो हम 105 भाई एक हैं और परस्पर विरोधे तू वयम पंच शतम तुते, तो अगर कोई हमारे बीच का विवाद होगा तो वो 100 है और हम 5 है। लेकिन ये कोरोना जो हमारे ऊपर मुसीबत है इसमें हमको आज एक साथ खड़े होना है और दोष निकालने के, लेकिन आपने देखिए बड़ी चतुराई से उनको 100 और खुद को 5 कह दिया, उनको कौरव और खुद को पांडव बता दिया। नहीं मैं कह रहा हूँ सबको साथ चलना है, ये इसमें आज कोई वही बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नीति बताई हुई युधिष्ठिर है वो सब लोगों को साथ चलना। अच्छा ठीक है सर, वाजपेयी साहब मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, अजय जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। 40 जून का लॉकडाउन है, आज 21 दिन यानी पहले लॉकडाउन का आखिरी दिन है, लेकिन आप मान के चलिए कि 21 नहीं थी संख्या 40 ही थी, तो कल से होगी लॉकडाउन पार्ट 2 की शुरुआत, और इसी 40 दिन के लॉकडाउन से जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग, अजय कुमार जी? जी मैं तो इसको लॉकडाउन पार्ट 2 कहने के बजाय लॉकडाउन विदाई कहना चाहूंगा, कि अब तक जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एक तरह से एक साथ खड़ा हुआ और लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, ये 7 दिन की और परीक्षा है, अगर हम इसमें भी उसी तरह से अनुशासन में रह कर के लॉकडाउन की पूरी पाबंदी करते हैं तो आने वाला जो समय है 2021 का वह सदी भारत की होगी। आप कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन कोरोना की विदाई का लॉकडाउन माना जाना चाहिए। चले हमें एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, सिर्फ एक मिनट के लिए ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, उसके बाद एक लंबा समय मिलेगा बिना ब्रेक के बात करने का। सवाल सबसे बड़ा यही है, ये लड़ाई प्रधानमंत्री ने कहा एक हफ्ता और बहुत अनुशासित होकर के लड़नी है और उसके बाद ये फैसला होगा कि कैसे देश में और गतिविधियों को छूट दी जा सके। प्रधानमंत्री ने आज लॉकडाउन की अवधि को 19 दिन के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद इसका मूल्यांकन होगा और फिर देखा जाएगा कि कौन सा जिला कौन सा शहर कौन सा राज्य बेहतर कर रहा है। लेकिन जब प्रेम शुक्ला साहब प्रधानमंत्री ने जान भी और जहान भी की बात की थी, उस वक्त बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद इस बार अगर लॉकडाउन बढ़ेगा भी तो पहले ही दिन से कुछ रियायतें मिलना शुरू हो जाएंगी, उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक हफ्ते का आप कह रही है जैसे ग्रेस पीरियड या एक टेस्ट पीरियड जो है वो रखा हुआ है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी का ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं जो कल का है। उन्होंने कहा था कि वन साइज फिट ऑल लॉकडाउन नहीं चल सकता, यानी हर किसी के लिए एक ही तरीके का लॉकडाउन हर जिले के लिए हर शहर के लिए हर राज्य के लिए ये काम नहीं कर सकता, तो इसमें कुछ ना कुछ विविधता और अलग 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 जगहों की परिस्थितियों को देखकर करनी पड़ेगी। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का आज प्रयोग किया अपने उद्बोधन में, अग्नि परीक्षा,
तो पूरा राष्ट्र इस समय जो है अग्नि परीक्षा के दौर से चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इस अग्नि परीक्षा में हम खालिश सोने की तरह जो है उसे चमकते हुए दमकते हुए बाहर निकलेंगे, इसमें कोई संदेह किसी के भी मन में नहीं है। अब दो प्रश्न, एक प्रश्न उन्होंने का आदरणीय राजपूत जी ने जो है वो किसानों के संदर्भ में पूछा, तो कृपा करके विविध राज्यों में जो है किसानों के लिए हार्वेस्टिंग में छूट देने के संदर्भ में, रियायत देने के संदर्भ में निर्देश जारी हुए हैं, उनके अनाज को APMC एक्ट से मुक्त करके उनको सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचा सके और बेच सके, इस संदर्भ में छूट दी गई है। उनका एक प्रश्न ये था कि भाई रैपिड टेस्ट बढ़ाया जाना चाहिए, तो कृपा करके समझे कि हमारे यहाँ एक लेबोरेटरी हुआ करती थी कोरोना के पहले, आज 236 लैब हमारे यहाँ काम कर रहे, तो उसको बढ़ाए जाने की दिशा में काम किया जा रहा। उन्होंने कहा गरीबों के लिए कुछ हो नहीं रहा है, तो आज अभी आप ही ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही फिगर्स आप देख लीजिए, तो लोगों को ना केवल अनाज बल्कि उसको पकाने के लिए ईंधन तक गरीबों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी की विविध योजनाओं के कारण लोगों को प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ लगातार स्वास्थ्य के संदर्भ में भी इसी तरह की फैसिलिटीज लगातार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस संदर्भ में क्रांतिकारी काम विविध राज्यों ने सबने मिलकर किया है। मैं किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे रहा हूँ, हर राज्य ने इस बात को जो है यथासंभव बेहतर करने का प्रयास किया है। अब ऐसे में जो है मुझे लगता है कि आप प्रश्न पूछिए, 5000 अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि 5000 शिकायतों का निवारण किया गया है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता महोदया ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि 5000 जो शिकायतें थी उनका निवारण किया। इसमें आप शिकायतें करते हैं तो हम शिकायतों का निवारण, अच्छा ठीक है, मैं राजपूत जी से कहना चाहता हूं, मेरा सवाल भी इसी तरह से श्रम मंत्रालय भी इस संदर्भ में जो है श्रम मंत्रालय की तरफ से भी इसी तरह से शिकायतों के निवारण के संदर्भ में तकनीक डेवलप की गई है। राजपूत साहब ऐसा या इस बात को तो आप मानते हैं ना कि मौजूदा परिस्थिति जो है कि डेवलपिंग परिस्थिति है और इसमें आपको स्थिति के बदलती परिस्थिति के हिसाब से आपको अडेप्ट करना है, इतने करोड़ों लोगों तक मदद पहुंचानी है तो जाहिर तौर पर वो एक हफ्ते में 10 दिन में 20 दिन का काम नहीं है, बहुतों की जिंदगियां पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हुई हैं, तो वहां तक मदद पहुंचने में हो सकता है कुछ वक्त भी लगेगा, हो सकता है वहां कुछ कमी भी हो रही होगी, लेकिन ये तो मानते हैं कि चाहे राज्य की सरकार हो केंद्र की सरकार हो कोशिश हर कोई कर रहा है। सौरभ जी मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि मेरे लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है, मैं प्रेम शुक्ला जी को भी बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाह रहा हूं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सब काम कर रहे हैं, किसी को भी मैंने यह नहीं कहा कि काम नहीं हो रहा है, और निश्चित तौर पर अगर मंडियां खुली हैं किसानों को छूट मिली है, मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये था कि छूट के बाद उनकी जो फसल का दाम है MSP जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है। जो चीज नहीं होगी वो हम जरूर याद दिलाएंगे एक सजग विपक्ष की तरीके से। दूसरी बात, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को सहायता नहीं मिली है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है जिसको सहायता नहीं मिली है, और उन लोगों को सहायता मिली। सर 30 सेकंड दे दीजिए प्रेम जी, उन लोगों को सहायता देने के लिए जहां पर जो लोग सड़क पर हैं, जो लोग आज की डेट में शेल्टर होम में हैं, आज से 2 दिन पहले नोएडा के शेल्टर होम में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, वो आपके सामने की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां ना बने उसके लिए जितनी सजगता की आवश्यकता है वो सरकार को याद दिलाए जाने की भी जरूरत है। जहां जहां पर कमियां हैं, जैसे बंबई से सूरत से तमाम लोग उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, BPL के कार्ड नहीं है, तो अगर उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, राशन मिलने में दिक्कत है, तो हम याद दिलाए। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है सौरभ भाई, वो है निम्न मध्यम वर्ग का। निम्न मध्यम वर्ग के पास ना तो BPL कार्ड है ना कोई और कार्ड है, और उनकी बिजली के उपाय बताइए सर, उपाय बताइए। तो उन जी मैं वही कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं, जैसे आप अगर 3 महीने का बिजली का बिल राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री जी इनिशिएटिव ले, सारी राज्य सरकार को कहें कि अगले 3 महीने तक का बिजली का बिल हम 50% कर देंगे, चाहे वो उद्योग जगत हो और चाहे व्यक्तिगत हो और चाहे किसान का हो, अगर आप 50% बिजली का बिल कर देंगे तो एक बहुत बड़ी सहायता होगी। मैं पूछता हूं, यहां पर राज्य सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, दीपक वाजपेयी साहब, दीपक जी, इनका सुझाव खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी अभी किसी को हर व्यक्ति को घर बैठे तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जो स्वरोजगार का काम करता था, जो अपना काम करता था, उसकी दुकान बंद है, वो उस बाजार बंद है, ऐसे लोगों के लिए इनका सुझाव है कि कम से कम जो बंधे हुए खर्चे हैं, जो उनको बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, फोन का बिल देना पड़ता है, इनमें कुछ रियायतें हो जाए। जी नहीं, बहुत बढ़िया सुझाव है जी, हमने तो लगातार ये बात कही रहे हैं,
दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली, जो कि एक मध्यम वर्गीय, जो निम्न मध्यम वर्गीय है और जो गरीब उपभोक्ता है वो इस्तेमाल करता है, दिल्ली में मुफ्त है, पानी दिल्ली में मुफ्त है। तो ये सुविधाएं और पूरे देश में होनी चाहिए। बड़ा सवाल बिजली से जुड़े सुधार है, वो बात की बात है, लेकिन अगर इनसे फिलहाल आदरणीय जो लोअर मिडिल क्लास है उसको और गरीब लोगों को मिले तो वो फायदे की बात होगी। सारे लोगों की बात नहीं है, और सारी सरकारें सुन लीजिए ना, और सारी सरकारें इस तरह की कोशिश करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से उन पर बोझ कम से कम पड़े। जैसे हमने ऑटो वालों को, मतलब केजरीवाल सरकार को देखिए, ऑटो वालों को, फटफट सेवा वालों को, ई रिक्शा वालों को, कंस्ट्रक्शन मजदूरों को, इनको कैश सब्सिडी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, कैश ट्रांसफर किया गया 5,000 रुपए का। इस तरह की और सरकारें भी करने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी एक कोशिश की है, मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है, महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की है, हालांकि उतने बड़े स्तर पे नहीं हो पाई है, पर सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह के सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है अजय कुमार साहब, अब जब एक हफ्ते के बाद ये मूल्यांकन होगा कि भाई कहां पर कुछ रियायत दी जा सकती है, कहां पर कोई आर्थिक गतिविधि खोली जा सकती है, आपके अनुभव के हिसाब से, ये सब गाइडलाइन सरकार कल जारी करेगी वो अलग विषय है, आपके हिसाब से किस स्तर की एक्टिविटी शुरू होने की अभी गुंजाइश है? देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों में संकेत दिया है और जो गाइडलाइंस की बात उन्होंने की है और जो भी उपलब्ध आंकड़े हैं उसमें, एक तो किसानों का ये जो फसल खेत में अभी पड़ा है और कटाई की सीजन चल रही है उसमें छूट देने की बात हो सकती है, जो हमारे FMCG गुड्स हैं जिनकी आपूर्ति अब एक समस्या बन जाएगी आने वाले दिनों में, तो अगर उसका उत्पादन नहीं होगा तो उसमें छूट देने की बात प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों बातों में इशारा किया है। अगर हम उनके भाषण को और डिकोड करें तो उन्होंने सप्लाई चेन, उन्होंने कहा कि देश में दवाई और खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है, उसकी कोई कमी नहीं है, जो राज्य जो इस जनता को जितना चाहिए उपलब्ध होगा, लेकिन जो चैलेंज है वो सप्लाई चैलेंज का चैलेंज है। तो सप्लाई चैलेंज के मुतल्लिक मेरा सुझाव भी है सरकार को कि इसमें प्राइवेट प्लेयर का इस वक्त सहयोग लेके सरकार सप्लाई चेन को मजबूत कर सकती है। ये जो यहाँ पे बार बार ऐसे लोगों के रोजगार और व्यवसाय की बात हो रही है जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं, रोज कमाते हैं, खाते हैं, तो इसमें ओला, उबर, इस तरह की और भी जो प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनको इस सप्लाई चेन को दुरुस्त करने में लगाया जा सकता है। और ये बात मैं अमेरिका के उदाहरण से आपको बता रहा हूँ, वहाँ उबर की तरह एक सर्विस है जिसका नाम है लिफ्ट, वो लगातार दवाई और खाना पहुँचाने का काम कर रही है, तो उससे वो ड्राइवर और वो जो ओला मालिक हैं, लिफ्ट के मालिक हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है और जिन लोगों को जरूरत है उनको भी सामान उन तक पहुँच रहा है। और जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है एसेंशियल्स आइटम्स के, उसमें भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मूल बात तो यही है कि 7 दिन में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी और कितना धैर्य और अनुशासन का परिचय देता है, और प्रधानमंत्री ने लेकिन इतना के लिए बातों से ये भी साफ था बंद रहता कि एक हफ्ते के बाद भी जो रियायतें मिलेंगी, कोई ये ना माने कि आप 21 दिन पहले वाली या तब की हालत में 28 दिन पहले वाली सूरत में आप चले जाएंगे, उस किस्म की एक्टिविटी नहीं शुरू होने जा रही है। कुछ जगहों पर रियायत का मतलब यह है कुछ और एसेंशियल एक्टिविटी शुरुआत की मंजूरी दी जा सकती है। प्रेम शुक्ला साहब, लेकिन आप उद्योग जगत की बात करें या आप किसी व्यापारी की बात करें, हर सेक्टर चाहता है कि जल्द से जल्द कारोबार शुरू हो जाए, सब इस खतरे को पहचान रहे हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधि शुरू हो ये सबकी इच्छा जरूर है। मैं कल राजीव बजाज जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो कि बजाज ग्रुप के MD हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के जितना बड़ा कोई देश नहीं है जिसने संपूर्ण लॉकडाउन किया हो, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हो ऐसा कोई देश नहीं है। उनका कहना यह था कि यहां भारत में आर्थिक गतिविधि को अगर पूरी तरह लंबे वक्त के लिए ठप कर दिया जाएगा, उन्होंने बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि हमें बिक कर इससे बाहर निकलने की नौबत आ जाएगी। नहीं देखिए, यथोचित और यथासंभव जो है लॉकडाउन को समाप्त करने के संदर्भ में सरकार भी गंभीर है, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि कल कुछ गाइडलाइंस इश्यू होंगी और 20 अप्रैल के बाद, उन्होंने कहा 20 अप्रैल को अग्नि परीक्षा में जो क्षेत्र पास होंगे उन क्षेत्रों में लॉकडाउन को उस श्रेणीबद्धता के अनुकूल जो है वहां पर रियायतें दी जाएंगी। अगर वो विफल रहे फिर वहां फिर कुछ समस्याएं हुई
वहां फिर लॉकडाउन फिर से किए जाने के संदर्भ में भी उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए। देखिए पूरी अर्थव्यवस्था, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए, इसलिए सब लोगों को यथोचित और यथासंभव रियायत भी मिले और उनको काम करने का अवसर भी मिले। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती है वो लोगों के प्राण को बचाने की चुनौती है, लोगों की जान को बचाना भी है और जान को आबाद भी रखना है। इसमें संतुलन बनाए रखने के संदर्भ में पूरा देश जो है विचार कर रहा है। अच्छा, मैं राजपूत जी की बात का जवाब आपसे चाहता हूँ, उनका सवाल बहुत मौजूद है। उनका कहना यह है कि देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि न तो उस श्रेणी में आता है जिसको सरकार सीधी सहायता देती है, बीपीएल कैटेगरी हो गई या आप इस वक्त जो मजदूरों के लिए कर रहे हैं, जो आप किसानों के लिए कर रहे हैं, ना वो उतना सक्षम है कि अगर वो एक महीना डेढ़ महीना घर में बैठा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अगर वो दुकान करता है तो दुकान उसकी बंद है। ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जब बिना राशन कार्ड के जब आप कहते हैं कि हम राशन उपलब्ध कराएंगे, जब 80 करोड़ की संख्या की बात होती है तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे लोग भी कवरेज में आ जाते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्यों को बेहतर ढंग से करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में बहुत सारी राशन की दुकानों पर पता लगा कि वहां पर पीडीएस ने जो है वो टेंडर ही नहीं क्लियर किया, इसलिए राशन पहुंचा ही नहीं दुकानों पर। तो अब केंद्र की योजना तो है, वहां से राशन उठा भी लिया गया है लेकिन अभी तक नीचे पहुंचा नहीं। तो ऐसे भी जहां पर भी संकट है, जिन राज्यों में संकट है, उसको लोगों ने मिलकर उसमें सकारात्मक भूमिका निभाकर आखिरी व्यक्ति तक जो है वो कोई भूखा न सोने पाए, ये सरकार का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है। ठीक है राजपूत जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? मेरा एक सवाल आप सबसे भी है, जैसे एक समस्या हमारे सामने भी आती है, कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो क्या कोई और पहचान पत्र तरीका बन सकता है कि वो जाकर के सरकारी राशन जो इस वक्त मुफ्त में दिया जा रहा है, जो भी घोषणा की गई कि 5 किलो राशन, 5 किलो अनाज 3 महीने तक मुफ्त दिया जाएगा, वो उसको अवेल कर सके? सुरेंद्र जी, देखिए दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। ये आपदा का समय है, इस समय कोई भी पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे बताऊं ना, जो मध्यम वर्ग है ना सौरभ भाई, वो बड़ा ही लाजपूर्ण वर्ग है और वो बहुत ही शर्मसार वर्ग है। वो हमें वो हाथ नहीं फैला सकता, वो तो किसी से मांगने में भी उसे शर्म आ रही है और कोई दे रहा है उसके यहां भी रोटी नहीं खा पा रहा है वो। तो मेरा तो ये कहना है कि जो भी राशन दिया जाना चाहिए वो सबके सबको खुले कर दे कि जो चाहे वो आए, कोई भी एक पहचान पत्र दिखाए और आकर के अपना राशन चुपचाप ले जाए, फोटो भी, जैसे राजस्थान सरकार ने किया। राजस्थान सरकार ने बहुत स्पष्ट किया कि जो भी राशन मांगेगा हम उसको राशन देंगे और उसकी कोई फोटो कोई किसी चीज को नहीं खींचेंगे। जिस तरीके से, और रही बात इस तरीके की, अगर आप व्यवस्था करते हैं तो निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम होगा। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, चाहे मैंने अभी जैसे दिल्ली वाले कह रहे थे, आप सरकार के तो 200 यूनिट तो वो दे ही रहे हैं। हमारा तो ये कहना है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, छोटा दुकानदार है, जो आपकी 200 यूनिट वाली में नहीं आता है, उसके भी बिजली का बिल 50% कीजिए ना, उसके खाते में भी अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है वो कीजिए ना। ठीक है दीपक जी, सच्चाई ये है कि कोरोना से 130 करोड़ लड़ रहे हैं, ना गरीब लड़ रहा है ना अमीर लड़ रहा है। ठीक है दीपक जी, सारे के सारे भारतीय, 400 यूनिट तक सारे भारतीय सहायता की आवश्यकता है। जो नहीं नहीं, दो चीजें इसमें जोड़ना चाहता हूँ मैं, लेना है उसका स्वागत। अच्छा ठीक है सर, जो उनकी बात सुन लीजिए, अब दीपक जी आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं सौरभ जी, मैंने तो इस सुझाव का स्वागत किया। मेरा मानना है कि जैसा इन्होंने सुझाव दिया, दिल्ली की तरह बाकी सभी राज्यों में 200 यूनिट तक बिजली फ्री होनी चाहिए, 400 यूनिट तक आधी होनी चाहिए, और ये संभव है तो ये करेंगे तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। दूसरी चीज जो राशन की बात की है वो मैं बताना चाहता हूं। हम लोग यहां पर राशन बांटने के काम में लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं भी इस काम में लगा हुआ हूं, पर सरकारी व्यवस्था की जो बात की है, दिल्ली में हमने ये कहा है कि जो भी राशन कार्ड अप्लाई कर देगा उसको हम राशन दे देंगे, उसको अप्रूव होने, राशन कार्ड मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति 3 महीने का राशन ही एक बार में ले। आप सरकार के अनाज के भंडार खुले नहीं छोड़ सकते जिससे किसी किस्म की कालाबाजारी या इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो। तो हमने कोई भी व्यक्ति जो राशन कार्ड एक लिंक के जरिए अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करे और उसको 3 महीने का राशन मुफ्त मिले, या फिर एक ही तो एक ही परिवार के सारे सदस्य जो है वो 3-3 महीने का राशन लेकर के चले गए, ऐसा भी हो सकता है उसमें? नहीं नहीं
जी जी वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक परिवार में राशन कार्ड डालता है तो मध्यम वर्ग को आप चोर साबित मत कीजिए। एक सेकंड इनकी बात सुनिए सुरेंद्र जी, एक मिनट इनकी बात पूरी हो जाए, इनकी बात पूरी हो जाए सर, एक मिनट, एक मिनट एक परिवार नहीं नहीं लेंगे, नहीं 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 ये मेरी आपसे कम से कम कठोर शब्द सुन लीजिए आप। सुरेंद्र जी एक सेकंड दीपक जी मैं आता हूँ, एक मिनट सुरेंद्र जी, हम लोग सिर्फ यहाँ पर सुझावों की बात कर रहे हैं और क्या व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, आप तो राजनीति में आप व्यवहारिकता को समझते हैं, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनके यहाँ व्यवस्था ये है, अगर राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड अप्लाई कर दो, केवल अप्लाई कर दो, आपको राशन मिल जाएगा और वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। करे कोई करे या ना करे, मेरा यही कहना है कि आप सबको दे दो, जो आपकी दुकान पे आया उसको आप अनाज दो। वही तो वो कह रहे हैं कि कोई दुकान खुली नहीं छोड़ी जा सकती है। अच्छा इनकी बात पूरी हो जाए, एक बार नहीं दुकान नहीं हम खोली, इनकी बात एक बार पूरी हो जाए सुरेंद्र जी, उसके बाद इनकी बात एक बार कंप्लीट सुन ले। दीपक जी की आवाज है, इनकी सुनिए, कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें हैं, जो ये कह रहे हैं ये इनकी अपनी सरकारों ने किया नहीं है, संभव नहीं है। मैं एक एक करके सरकारें कहिए तो गिनाता जाऊं, ये संभव नहीं है कि जो कोई भी आए उसकी बगैर पहचान किए हुए आप पीडीएस से अनाज देने लग जाएं, छत्तीसगढ़ ये संभव नहीं है। और हम पंजाब में कर नहीं किया है, आप गलत कह रहे हैं, पंजाब में नहीं है, मैं पंजाब जानता हूँ, कहाँ कर रहा पंजाब में, आप दिखाइए मुझे, शुरू कर दिया ये जो चाहे नहीं अमरिंदर सरकार ने नहीं किया है और इसको मत बनाइए, केंद्र सरकार से अनुरोध है, केंद्र सरकार इसमें आपकी जानकारी सरकारों से करवा, आपकी जानकारी गलत है, नहीं आपकी जानकारी गलत है, पंजाब में अमरिंदर सरकार ने नहीं किया है, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ सौरभ जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक बार पंजाब दिया, पंजाब सरकार ने कोई इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं की है। ठीक है सुरेंद्र जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं, अच्छा एक सेकंड, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में, आपने पंजाब का उदाहरण दिया, वहां पर किसी भी राशन की दुकान पर कोई भी व्यक्ति चला जाए, अपना कोई भी एक पहचान पत्र दिखा दे, चाहे वोटर आई कार्ड दिखा दे, चाहे आधार कार्ड दिखा दे, और वो राशन लेकर के आ सकता है, क्या ये व्यवस्था है पंजाब में? ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए और ये हाँ बिल्कुल इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, वो चाहे पंजाब की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार हो, या दिल्ली की आपकी सरकार हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार पहल करें। कल से भारत में लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होगा जो कि 19 दिन तक चलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगले एक हफ्ते के बीच ये लॉकडाउन बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री ने यह कहा प्रेम शुक्ला साहब कि अगला एक हफ्ता पीछे जो 21 दिन गए हैं उससे भी ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाएगा, तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए जिस तरह से जो केसेज कोरोना की केसेज बढ़ रही हैं, ऐसे में लॉकडाउन को और सख्ती से करने की आवश्यकता है, और इस सख्ती के बाद जब आप फिर से मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन करने के बाद जिन क्षेत्रों में रियायत दिए जाने की स्थितियां हैं, जहां पर कुछ हम आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के संदर्भ में रियायतें दे सकते हैं, उन क्षेत्रों को रियायत दिया जा सकेगा, प्रधानमंत्री जी का यही संदेश मैंने समझा उनके वक्तव्य से। ठीक है अजय कुमार जी, 40 दिन बहुत बड़ा समय है किसी भी देश के लिए, और भारत जैसे देश के लिए तो बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी आबादी, सीमित संसाधन, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया कि 40 दिन देश को घर में बैठने के लिए कहा जाए और देश उसको स्वीकार भी कर ले, इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसमें दो बात आपकी बहस में निकल के बिल्कुल सामने आ रही है, एक तरफ व्यवहारिकता है, दूसरी तरफ कुव्यवस्था है, और तीसरी तरफ संसाधनों की कमी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, और भारद्वाज जी कांग्रेस से उलझ रहे थे कि क्या हो सकता है और बाजार को खुला नहीं जाना छोड़ा जा सकता है, तो जो यहाँ पे फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी तरफ अगर ये सरकार ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 72 लाख लोग दिल्ली में राशन कार्ड वाले हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या उन तक राशन पहुँच गया? दिल्ली के आधे से ज्यादा राशन के दुकान बंद पड़े हैं, उनकी तरफ वो सरकार सुध क्यों नहीं लेती है? दुकानदारों से जब पूछा गया कि भाई आपने दुकान क्यों बंद रखी है, तो उन्होंने कहा जी हमारा जो सामान आया था वो खत्म हो गया। अगर दिल्ली सरकार की अपनी वेबसाइट बताती है कि न सिर्फ अप्रैल का बल्कि मई का भी पूरा पीडीएस का कोटा उठा लिया गया है, तो बजाय हम अपनी कमियों पे
ध्यान दें इस वक्त जवाब देंगे वाजपेयी साहब के दौर में हम आइडियोलॉजी डिस्कस करने बैठे हैं कि बिना राशन कार्ड वालों को कैसे राशन दें। अरे जिनको है उनको तो पहले दे लीजिए आप। नहीं मैं इसका जवाब देता हूँ। 72 लाख लोग दिल्ली में राशन कार्ड वाले हैं, लेके मारे मारे गली में घूम रहे हैं। बताइए वाजपेयी समय का जवाब दीजिए लेने वाला। देखिए ये भाषणवाद नेता जी जो आए हैं, मैं विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठ के पुलिंदे लेके पहले की भाषण नहीं है, आंकड़े बता रहा हूँ। भाषणवादी वाला चुनाव छोड़ दीजिए, जनता को यह मालूम ना हो कि आपकी सरकार को चुन दिया है। जवाब दे रहा हूँ, समय कम है मेरे पास। वाजपेयी जी बिना कोई पर्सनल रिमार्क किया जवाब दीजिए उनकी बात का। लेकिन कुछ अपनी दुकान बंद होने से विचलित है। हम लोग तो बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन दे रहे हैं। हमने 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया, मैं आपको बता दूं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो माइग्रेंट डिफरेंस है, हम घर का चाकर राशन वालों को दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। 15 सेकंड में राजपूत साहब जाते जाते आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो 15 सेकंड। वो कहां से ऑनलाइन अप्लाई करेगा राशन कार्ड? देखिए मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि इस समय कमियां बहुत हैं। इस समय कमियों को डिस्कशन करने की जगह पर अगर हम कमियों को दूर करने पर डिस्कशन कर लेंगे सौरभ भाई तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एक जो सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी के माध्यम से, RBI में जीरो इंटरेस्ट की एक विंडो खुलनी चाहिए राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि राज्य सरकारें इस वक्त फाइनेंशियली बहुत डिस्ट्रेस में है। ठीक है, जब तक राज्य सरकारों को इंटरेस्ट पर पैसा बोरो नहीं होगा तब तक उनके पास जन कल्याणकारी काम करने के लिए बड़ी। ठीक है राजपूत साहब, चलिए एक और सुझाव आपका आ गया, मैं माफी चाहता हूं आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे लेकिन आप चारों का, प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, दीपक वाजपेयी जी और अजय कुमार जी, कुछ बहस भी हुई लेकिन कुछ गंभीर सुझावों पर भी बात हुई है।